यह है भैया बिहार सरकार का विकास। आखिर देख सकते हैं आप, गाड़ी का लीक बना हुआ है, धसते धसते सड़क गड्ढे में जा रहा है। आखिर क्या वजह है जो ये सड़क नहीं बना? गाड़ी हम गिर जाते हैं, बहुत लोग गिर जाता है, पैदल उतर के चलना पड़ता है। पवन कुमार था इनके पोत जब था तब बना। पवन कुमार के रीजन में कितने साल पहले? 35-40 साल हो गया। नमस्कार, मैं विश्वनाथ मंडल, आप देख रहे हैं क्राइम सच खबर। शिवाजी नगर प्रखंड दसौत पंचायत वार्ड संख्या 13 की सड़क की दुर्दशा देख सकते हैं आप, क्या हाल है इस सड़क का। क्योंकि गाड़ी को आने जाने में कितना प्रॉब्लम होता है, ये मेन मार्ग है जहां लोगों को भी चलने में बहुत तकलीफ होता है। लोगों का कहना है कई बार यहाँ पे गाड़ियां भी पलट चुका है। आगे चलिए और भी दृश्य दिखाते हैं इसी सड़क का। 30 साल पहले यह सड़क बना था, 30 साल पहले पवन कुमार राय जी के रीजन में, उस समय वो मुखिया थे। उसके बाद कोई भी व्यक्ति सड़क पे ध्यान नहीं दिए हैं। आखिर क्यों नहीं दिए हैं, क्या कमी है? आइए आगे और भी दिखाते हैं आपको। से आप हमेशा आते जाते रहते हैं? यस। तो ये सड़क जो अभी दिक्कत जो है, कितने दिनों से ऐसा है? ये मतलब बहुत दिन पहले ही रोड बनाया गया था, ईटा का रोड, और ये बहुत दिन से खराब है। जब बारिश आएगा ना तब ये रोड की हालत दिख जाती है, दोनों तरफ पानी भर जाता है। सुने, पानी भर जाता है, गाड़ी हम गिर जाते हैं, बहुत लोग गिर जाता है, पैदल उतर के चलना पड़ता है। गाड़ी बहुत समस्या है, सड़क बनना चाहिए, बनना चाहिए। इसमें आप किसकी कमी बताते हैं? सरकार क्या करेंगे, सरकार पैसा देते हैं लेकिन यहाँ का मुखिया सरपंच कुछ नहीं करते हैं। जानते हैं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार यादव, मेरा घर पबरा हुआ, जिला समस्तीपुर। यह है भैया बिहार सरकार का विकास। आखिर देख सकते हैं आप, गाड़ी का लीक बना हुआ है, धसते धसते सड़क गड्ढे में जा रहा है। आखिर क्या वजह है जो ये सड़क नहीं बन रहा है? एक व्यक्ति आ रहे हैं, उनसे हम दो लाइन सवाल करते हैं, बताइए क्या समस्या? बारिश के समय में दोनों तरफ पानी फुल हो जाता है तो चलने में बहुत दिक्कत होता है। इधर सांप का बहुत डर रहता है, चलने फिरने में। एक आदमी मर भी गया था, सांप काट लिया था इस पानी में। हाँ, पानी में यहीं पे काट लिया था, मर कितने गया। दिन पहले ये सड़क बना है? सड़क तो बहुत दिन पहले बना था। कुछ लोगों का कहना है 35-40 साल पहले बना था। हाँ, 35 साल का। किनके रीजन में, किनके टाइम में ये सड़क बना था? ये पवन कुमार था, इनके पोत जब था तब बना। पवन कुमार के रीजन में कितने साल पहले? 35-40 साल हो गया। 35-40 साल पहले ये सड़क बना, मगर दोबारा इस पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। गरीबों का मोहल्ला है, गरीबों का बस्ती है, आखिर सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? आगे और भी समस्याएं दिखाते हैं हम आपको। ये पुलिया आप देख सकते हैं, सिर्फ पुलिया निर्माण हुआ है। आइए देखते हैं किनके रीजन में और कौन ये पुलिया का निर्माण किए हैं। पुलिया बनने के बाद बोर्ड लगा दिया गया है, पुलिया बनने के बाद बोर्ड लगा दिया गया है, मगर सड़क निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ पुलिया तक का ही ठेका था, पुलिया भी बना है तो समझ लीजिए किस हद तक मजबूती है। इसमें देख सकते हैं आप, पुलिया ये झड़ रहा है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये पुलिया झड़ रहा है, झरझर होता जा रहा है। आपको आता है सच का आईना।